हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ICSE क्लास 10th ML अग्रवाल के चैप्टर नंबर 1 जो कि गुड्स सर्विस एंड टैक्स है, जिसको हम लोग GST के नाम से जानते हैं। GST के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। कह रहे अ शॉपकीपर बाई गुड्स वर्थ 4000 एंड अ सेल्स दिस द प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट इफ़ GST चार्ज एट द 5%। हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए इसमें भी हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है एक्सक्लूडिंग टैक्स के साथ, यहाँ पे है, और दूसरा है आपका GST, तीसरा SGST एंड चौथा है टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब एक बात करते हैं सेलिंग प्राइस के लिए। पहली बात तो अगर फर्स्ट की बात करें तो आपका एक्चुअल प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस दे रखा है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस कितना दे रखा है 4000। इस 4000 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है 20%। तो अगर हम प्रॉफिट निकाल लें, प्रॉफिट इक्वल टू होता है 20/100 इंटू मार्क प्राइस मतलब 4000। यहाँ CA0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 × 8 मतलब 800 रुपीज आ जाएगा। ओके, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा S.P जो कि सेलिंग प्राइस है, ये होता है मार्क्ड प्राइस M.P प्लस प्रॉफिट। आपका जो मार्क प्राइस है वह है 4000 प्लस 800, कितना आ गया 4800 रुपी, मतलब 4800 रुपीज हो गया। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया सेलिंग प्राइस, पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट निकालें CGST। CGST का मतलब होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST का मतलब होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो CGST निकालने के लिए पहले आपको GST दे रखा है। देखिए GST जो आपको दे रखा है वो 5% है। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो आपका CGST हो जाएगा वह 2.5%। ठीक है, और जो SGST हो जाएगा वो भी आपका 2.5% हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, सेकेंड पॉइंट में आपको इतना दे रखा ना, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपने निकाल रखा है 4800 रुपीज। अब इसका 2.5%, तो जब आप निकालोगे 2.5% तो कितना होगा देखिएगा, CGST पेड बाई द कंज्यूमर कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2.5/100 इंटू 4800। ये जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ाया तो क्या आया देखिएगा, 25/10 इंटू 48, 2 × 5 = 2, 2 × 4 = 4, 2 × 4 = 28, 5 × 5 = 25। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आप क्या निकाल लो, SGST निकाल लो। ओके, SGST भी सिमिलरली निकलेगा ऐसे ही, क्या 2.5/100 इंटू 4800, तो ये भी आ जाएगा आपका 120 रुपीज। ठीक है, अब कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा फोर्थ पॉइंट में, तो टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट जो निकलेगा वो निकलेगा आपका कितना, 4800, CGST निकला आपका 120 और SGST निकला वो भी 120, सबको जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 5040 रुपीज, मतलब इतना अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें अखिल सर के साथ। और हाँ, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।